बिनौर वाइन से मैं हूँ आज ललिता राजपूत और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में यहाँ के एक जो बहुत ही प्रसिद्ध देवता हैं जीतमल देवता वहाँ के मंदिर के दर्शन कराएंगे, वहाँ की मान्यताएं इतिहास सभी कुछ आपको बताएंगे। मैं आपको एक बार ये बता दूं कि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर तीन ही प्रसिद्ध देवता हैं, एक जो है कोट के देवता हैं जो नजीबाबाद साइड में है और एक भूरेमल देवता हैं जो चक्कर रोड पर स्थित है और एक हमारे क्षेत्र में जो है यहाँ पर ये जीतमल देवता हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और यहाँ से दूर दूर क्षेत्र से जो ग्रामीण हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग कर जाते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी भी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन भी कराएंगे, यहाँ का जो प्राचीन इतिहास है वो भी आपको बताएंगे और अधिक से अधिक यहाँ के बारे में आपको जानकारी देने का भी प्रयत्न करेंगे। तो आइए दोस्तों हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए हम मंदिर के जो है मुख्य द्वार पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जीतमल देवता, उधर शिव मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है और हमें पता चला कि यहाँ पर जो मुख्य प्रसाद जो चढ़ता है वो जो है रविवार के दिन चढ़ाया जाता है और अगर आप आते हैं और जीतमल देवता पर अपना प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं लेके आए हैं तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ दो बच्चे बैठे हुए हैं, हर संडे को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आइए इनसे भी थोड़ी सी हम बातचीत आपकी कराते हैं। तो बेटे क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। आकाश कुमार, तो आकाश कुमार आप हमेशा यहाँ पे प्रसाद भेजते हैं? अच्छा, संडे के दिन रहते हैं ज्यादा या हर दिन रहते हैं? संडे के दिन। अच्छा, संडे के दिन आप यहाँ पर प्रसाद भेजते हैं। तो देखिए आप जब यहाँ पर आएंगे तो संडे के दिन आपको ये बैठे हुए मिलेंगे और आप यहाँ से धूप प्रसाद सब कुछ ले सकते हैं। तो आइए अब आपको मंदिर में हम लिए चलते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के आपको हम दर्शन कराएंगे, जो यहाँ पर महंत जी हैं उनसे आपकी बातचीत कराएंगे और उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं और जब हम यहाँ अंदर आए तो चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं। इधर तो शिव जी का मंदिर है और इधर से आपको घुमाकर हम दिखाते हैं तो इधर शिव जी का मंदिर बना हुआ है जहाँ पर काफी सारे भक्तों की भीड़ है इस समय। और दोस्तों मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं इस समय और मंदिर के प्रांगण में आते ही हमने देखा कि यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो मेन मंदिर कौन सा है ये हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, यहाँ एक भगत जी हैं उनसे बातचीत करके हम आपको मेन मंदिर के भी दर्शन कराएंगे जो मेन है यहाँ पर। इधर एक शिव मंदिर है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ है और आज यहाँ पर आज संडे ही है, इतवार का दिन है और नवरात्र चल रहे हैं इसलिए बहुत अधिक संख्या में भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब हम यहाँ पर जो भगत जी रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं थोड़ी सी और आपकी बातचीत भी कराते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र सिंह जी, तो आप कहाँ के स्थायी निवासी हैं? मैं यहाँ आदोपुर का रहने वाला हूँ। आदोपुर के रहने वाले हैं, तो अधिकतर समय आप यहीं पर रहते हैं मंदिर में? ज्यादातर तो यहीं रहते। अच्छा, तो ये जैसे जीतमल देवता का मंदिर है ना, तो यहाँ मेन मंदिर कौन सा है जीतमल देवता का? जीतमल देवता। अच्छा, जीतमल देवता ये हैं, तो ये एक तरह से देवता है। तो गांव के कुल देवता भी हैं। अच्छा, ये गांव के कुल देवता। अच्छा अच्छा, जो गांव का नगर खेड़ा होता है उसके भी मंदिर है। अच्छा, उसके भी मंदिर है। तो अच्छा सर, लेकिन यहाँ पे तो काफी सारे, जैसे यहाँ पर शिव मंदिर भी है और उधर भी हम मंदिर देख रहे हैं जिसके हम बाद में दर्शकों को दर्शन कराएंगे, तो ये जो मंदिर बने हुए ये लोगों के दान द्वारा बने हुए या किस तरह बने हुए? ये सब हमारे महंत जी थे, चेतनानंद जी, जो गुरु जी थे यहाँ आए थे, जिन्होंने यह स्थान बनाया था। अच्छा, यहाँ झाड़ो में मंदिर था। अच्छा, झाड़ो में था। अच्छा, तो ये सब उनका बनाया हुआ, उन्होंने तपस्या करी यहाँ, ये शिव मूर्ति भी बैठाई यहाँ। अच्छा, और ये वाली मूर्ति बैठाई हनुमान जी की, तीसरी मूर्ति सब यहाँ, एक मूर्ति पिछक काली जी की, वो यहाँ मेन पुरानी मूर्ति। अच्छा, मेन पुरानी मूर्ति। तो जैसे बताया कि पहले यहाँ झाड़ी थे लेकिन देवता जो है वो यहाँ पर पहले भी उपस्थित थे, जो जीतमल देवता है तो वो पहले भी उपस्थित थे ये मंदिर। बाद में जो गुरु स्वामी चेतनानंद जी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर समाधि की, तपस्या की और उन्होंने इस सारे स्थान का निर्माण कराया, ऐसा हमें बताया गया है। तो सर कितने साल पुराना होगा ये मंदिर, ये बताइए? ये तो लगभग 400-500 साल पुराना होगा। अच्छा, 400-500 साल पुराना है। और ये लगभग 35-40 साल पुराना। अच्छा, ये जो स्थान अभी बना हुआ है 35-40 साल पहले ही बना, हम बालक थे, इतने बड़े बड़े बच्चे थे हम जब बनाया था। अच्छा, जब बना था। तो देखिए जो जीतमल देवता है वो तो यहाँ पर कम से कम 400-500 वर्ष पूर्व से ही स्थापित है, लेकिन जो ये मंदिर का बाद में जो निर्माण कराया गया ये लगभग 35-40 वर्ष पूर्व ही फिर मंदिर का निर्माण कराया गया। तो आइए आपको हम जीतमल देवता जी के दर्शन करा देते हैं, आइए दोस्तों। दोस्तों ये जीतमल जो है ये थला बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ये देवता है एक, यहाँ पर केवल इनके प्रतीक रूप में यहाँ पर थला बना हुआ है और यहाँ पर श्री जीतमल देवता ग्राम आदोपुर बिजनौर इनकी तस्वीर भले ही लगा दी गई है लेकिन जो प्रतीक रूप में वो यहाँ पर थला बना हुआ है। और मैं आपको एक बार ये भी बताना चाहूंगी कि जीतमल देवता इनका आशय ये है, कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है, जीतमल का अर्थ ही है कि विजय दिलाने वाले, तो ये जो जीतमल देवता है कहा जाता है, जो भी यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी
आपको दिखाना चाहेंगे। मंदिर में आकर ही वो हवन का जो है आयोजन कर रहे हैं, तो ऐसी इस मंदिर की महिमा है। तो आइए अब हम आपको और मंदिरों के भी दर्शन कराए देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम थले से पीछे यहाँ दर्शन करके आए, तो हमें एक ये पेड़ के दर्शन हुए। और ये पेड़ भी देखने मुझे काफी प्राचीन लग रहा है, बीच में से तो खोखला सा ही पेड़ है और इसपे काफी सारे ये देखिए ये इस तरह के धागे बंधे हुए हैं, तो इनके बारे में भी हम पता कर लेते हैं। तो देखिए काफी प्राचीन पेड़ है, तो इसके बारे में पूछते हैं हम। जैसे ये हम पेड़ देख रहे हैं, काफी विशाल पेड़, तो इस पेड़ का क्या खास बात है आप बताइए। ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है जी। जब देवता यहाँ आए थे तो पेड़ के नीचे ही बैठ गए थे। अच्छा, जब जीतमल देवता यहाँ पर तपस्या की थी तो वो इसी पेड़ के नीचे बैठे थे। अच्छा, ये पेड़ तब का, ये देखो छाल छाल बची, बीच में से खाली हुआ, फिर भी हरा रहता है। अच्छा, सदा हरा रहता है। और इसके नीचे 5-6 फीट गहरा नीचे खोखर भी थी इसमें। अच्छा, खेला करते थे, नीचे बढ़ते थे, ऊपर को निकल जाते थे। अच्छा, नीचे खोखर रहते हैं। और ये जो धागे लगे हुए हैं इसमें, जो हमारे यहाँ कुनारे लगते हैं जी, और जो बच्चों वाले कुनारे लगाते हैं, ब्याह शादी वाले लगाते हैं, उसको चक्कर ये अपना धागे जो भूमि पूजा होती है वो करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए जैसा हमें बताया गया कि इस जो पेड़ है, ये इस पेड़ की ये खास बात है कि ये अंदर से खोखला होते हुए भी हमेशा हरा रहता है। और जो जीतमल देवता थे, उन्होंने इसी पेड़ के नीचे आकर इसकी छाया में ही अपनी तपस्या जो है वो की थी। तो आइए, पीछे भी यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं जिसमें हमें बताया गया कि काली माँ की जो मूर्ति है काफी प्राचीन है। तो आइए हम आपको उन मंदिरों के दर्शन पर मूर्तियाँ लगी हुई है माँ शेरावाली की, जो शेर पर सवार है। इधर माँ काली अपने रौद्र रूप में स्थित है और उधर हनुमान जी भी है और उधर शायद किसी देवता को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर इस तरह के ये मंदिर बने हुए हैं। तो आइए, यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, तो शिव मंदिर के भी आपको दर्शन कराए देते हैं दोस्तों। जब मेन मंदिर में ही हम आते हैं तो सबसे पहले आपको शिव जी के ही दर्शन होते हैं, लेकिन हमने पहले आपको भगवान जीतमल जी के दर्शन कराए हैं। अब हम आपको शिव जी महाराज के दर्शन कराते हैं। यहाँ पिंडी रूप में जो है शिव जी स्थापित है और आप इस शिवलिंग को देख सकते हैं। ये एक स्वयंभू है, ये जो वैसा शिवलिंग नहीं लग रहा है देखने, बहुत अच्छा शिवलिंग है यहाँ पर। तो भगवान शिव के भी दर्शन हम यहाँ पर नंदी महाराज के भी कर सकते हैं। तो भगवान शिव के भी आप यहाँ पर आकर दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पर काफी सारे भक्त हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आइए हम आपकी कुछ भक्तों से बातचीत भी कराए देते हैं। बहुत सारे भक्त हैं वैसे तो, लेकिन हम आपकी बात कराते हैं। तो मैम, क्या नाम है आपका, एक मिनट बताइए जरा। मेरा नाम नीलेश है। नीलेश जी, अच्छा। रहने वाले आदिपुर की हूँ। अच्छा, हम यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। हमारी तो जब से हमारी शादी हुई है यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है, हमारी हर मनोकामना पूरी हुई है। अच्छा, तो देखिए जैसे हमें बताया इन्होंने कि जब से इनका विवाह हुआ है तब से यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आ रही है ये, और इनकी हर एक मनोकामना पूरी हुई है। तो और भी बहुत सारे भक्त हैं, ये कुछ और भक्तों से भी आपकी बातचीत कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ मंदिर के प्रांगण में अभी हमने आपको दिखाया था कि उधर कुछ लोग जो है हवन का आयोजन कर रहे थे और यहाँ पर भी एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम इस जो परिवार ये बैठा हुआ है इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार शर्मा। अच्छा, सतीश कुमार शर्मा, तो आप यहाँ पर क्या, ये धार्मिक कार्यक्रम क्या हो रहा है? धार्मिक कार्यक्रम में सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही है। अच्छा, सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो ज्यादातर तो लोग जो है अपने मतलब निवास स्थान पर ये कथा कराया करते हैं, तो आप यहाँ इस कथा को करा रहे हैं सर, तो कोई इसका खास जो रीजन है बताइए। इन्होंने बोला था कि हम जो यहाँ मंदिर पर जो कराएंगे। अच्छा, क्योंकि कोई मनोकामना पूर्ण हुई। अच्छा, जो सत्यनारायण भगवान जी कथा हो रही है। अच्छा, ये परिवार करा रहे हैं। तो सर, आप कहाँ से हैं? इनामपुर से हैं सर। तो अच्छा, आपने यहाँ पर ये कथा के लिए बोला हुआ था, तो आपने कोई मनोकामना मांगी होगी यहाँ से? अच्छा, तो मतलब आपकी मनोकामना पूरी हुई, तो इस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा यहाँ पर करा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जैसे इन्होंने बताया इनामपुरे से हैं ये, कि इनकी जो है मनोकामना पूरी हुई। देखिए, ये इन्होंने मन्नत मांगी थी। तो देखिए जैसे इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ये सत्यनारायण जी भगवान जी की कथा का आयोजन कर रहे हैं मंदिर में, क्योंकि इन्होंने मनोकामना मांगी थी और उनकी पूरी हुई। मनोकामना के रूप में इन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति का ये वरदान यहाँ पर आकर मांगा था जीतमल देवता जी से, और इनकी ये इच्छा पूरी हुई। देखिए कितना सुंदर पुत्र रत्न इन्हें प्राप्त हुआ है, इसे भी हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा बच्चा है। तो इस तरह यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो अब यहाँ के महन जी हैं, आइए हम उनकी
बातचीत भी आपसे कराए देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम पूजा अर्चना जब हम कर चुके होते हैं मंदिर में, जीतमल देवता जी जो हैं और शिव जी की महाराज की, जब सबकी हम पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके सबसे अंत में यहाँ पर आया जाता है, यहाँ पर हमें बहन जी मिल जाते हैं जो यहाँ से हमें जो है भभूत देते हैं, आशीर्वाद रूप में यहाँ पर भभूत मिलती है और वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आइए हम आपको बहन जी के भी दर्शन कराते हैं और उनके आशीर्वाद स्वरूप हम भी थोड़ी भभूत ले लेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम अंदर चलें। यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त हैं, काफ़ी भीड़ है आज जैसे मैंने आपको बताया, और सभी भभूति लगवा रहे हैं यहाँ पर, बहन जी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार जो है वो यहाँ पर दान दक्षिणा भी करते रहते हैं और यहाँ पर आकर बाद में आशीर्वाद लिया जाता है। अभी जो बहन जी हैं वो जरा भभूति लगा रहे हैं आशीर्वाद दे रहे लोगों को, लेकिन हम आपकी बातचीत थोड़ी सी उनसे जरूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। थोड़े व्यस्त हैं इस समय बहन जी, क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत अधिक है आज। तो बहन जी क्या नाम है आपका, बताइए जरा। मेरा नाम है नरेंद्र भारती। नरेंद्र भारती अखाड़े से। अच्छा, निरंजनी अखाड़े से। तो आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ करीबन 12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल हो गए। यहाँ पहले मेरे गुरु भाई जी थे। अच्छा। अब इस समय हरिद्वार हैं। अच्छा, हरिद्वार। करीबन यहाँ करीबन 40 साल रहे। अच्छा, वो 40 साल तब भी किए यहाँ जी, अग्नि तपस्या भी किए, समाधि के अंदर भी रहे जी। अच्छा, वो समाधि के अंदर भी रहे यहाँ पर? हाँ, अच्छा। ये 7 दिन तक समाधि के अंदर रहे। अच्छा। और यहाँ भजन कीर्तन सब चलता रहता है जी, साधु लोग भी आते रहते हैं, तप वगैरह भी करते हैं जी 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 जी, जी। साधु लोग भी यहाँ पर आते ही रहते हैं। हाँ, सर, तो जो इस मंदिर में जो विशेष आयोजन होते हैं उसके बारे में बताइए हमें थोड़ा सा। विशेष जैसे शिवरात्रि है जी, शिवरात्रि में यहाँ लंगर वगैरह है जी, और जैसे यहाँ गुरु पूर्णिमा होता है जी जी जी, भंडारे भंडारे होते रहते हैं यहाँ जी, भंडारे भी विशेष होते हैं यहाँ। अच्छा, भंडारे विशेष होते हैं, जैसे जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो भंडारे वगैरह कराते रहते हैं। अच्छा, तो देखिए बहुत ही सिद्ध स्थान है और यहाँ पर ये जो हवन कुंड जो बना हुआ है, ये यहाँ भभूति है, तो ये सदा प्रज्वलित रहता है, चलता रहता है ये। हाँ, तो ये भी प्राचीन है सर या? हाँ, नहीं ये तो प्राचीन देखो, करीबन इससे करीबन 40-45 साल। अच्छा, मतलब प्राचीन नहीं, ये 40-45 साल पूर्व भी बना हुआ है, लेकिन ये अच्छा सदा इसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है। ठीक है, इसमें सदा ही अग्नि प्रज्वलित रहती है। इन्होंने हमें बताया कि प्राचीन तो नहीं है लेकिन बना हुआ है ये। तो यहाँ पर भक्त अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार घी दूध भी चढ़ा रहे हैं। सभी चीज यहाँ पर जो भक्त हैं वो अर्पण करते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार जी। तो इसकी भभूत जो है उसका कोई विशेष महत्व है, बताइए हमें। विशेष महत्व आदमी देखो जो भी लेके जाता है श्रद्धा भाव से जाता है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है जी जी। जैसे गाय भैंस जी जी जी, हाँ जी जी जी, ये सब चीज़, उन सब चीजों। तो जैसे कहा गया है दोस्तों की अगर आस्था है ना बस, तो हर चीज में हर कण में भगवान स्वयं विराजमान हमें मिल जाएंगे यदि हमारी आस्था है। विश्वास नहीं करता जितना आपकी आस्था करता है जी जी जी, महाराज का सबसे ज्यादा जी, देवता महाराज की ऐसी आस्था है कि यहाँ की थोड़ी सी भभूत ले जाकर ही लोग ले जाते हैं, वो अगर डॉक्टर का भी विश्वास ना करे लेकिन इस पर उनका संपूर्ण पूरा विश्वास है। तो ये दोस्तों आस्था की बात है, विश्वास की बात है, जहाँ विश्वास है उसकी सदा ही जीत होती है। तो ये हमारे जीतमल देवता है, यहाँ के बहुत प्रसिद्ध देवता है, हमने आज आपको इनके दर्शन कराए। तो जैसे हम मंदिर के पिछले प्रांगण में आए, हमें यहाँ बताया गया कि यहाँ पर भी एक जो है मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर माँ काली का मंदिर के जो प्रांगण है उसमें, पीछे की ओर जो प्रांगण है उसमें देखिए एक माँ काली का मंदिर यहाँ पर भी स्थित है। और यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ पर कुटिया किया, ये हमें ऐसा बताया गया कि ये जी की कुटी है। तो कुटी जो है हम आपको अंदर से दिखाई देते हैं, ये महन जी की कुटी बताई गई है। यहाँ पर धुना भी स्थापित है एक, देख सकते हैं आप, और कुटी बहुत अच्छी बनी हुई है, यहाँ बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छी कुटी बनी हुई है। महन जी यहीं पर रहते हैं और वो यहाँ पर अपने यज्ञ आदि का कार्य भी करते हैं। तो कुटी ये हमने अंदर से देखी है, ये जो है मंदिर के जो है पीछे प्रांगण में बनी हुई कुटी है ये महन जी की। और दोस्तों अब हम बाहर से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और मंदिर है। तो यहाँ पर शनिदेव का मंदिर भी स्थापित किया गया है, ये देखिए यहाँ पर भगवान शनिदेव का मंदिर है। यहाँ पर भी बहुत सारे भक्तगण हैं जो यहाँ पर अंदर मंदिर में से पूजा अर्चना करके आ चुके हैं और अब शनिदेव के मंदिर में जो है प्रसाद वो लोग चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर शिव शनिदेव की प्रतिमा स्थापित की गई है इस मंदिर में। अभी भक्तों की भीड़ है इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, अभी दिखाएंगे जब यहाँ से हम आपको शनिदेव की प्रतिमा दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो ये न्याय के देवता कहा जाता है ना,
शनिदेव को, तो न्याय के देवता शनिदेव भी यहाँ पर विराजमान है मंदिर के बाहरी भाग में। ये जो है मंदिर शनिदेव का बनाया गया है, तो हम आपको प्रतिमा के दर्शन पास से करा रहे हैं। तो जब हम यहाँ शनिदेव के प्रांगण में आए तो महन जी हमारे साथ ही है। हमने यहाँ पर एक बताया था, जैसे भी आपको पीछे की चमत्कार हमने भी अपनी आंखों से देखा और आपको भी दिखाते, देखिए ये पीपल के वृक्ष में जो है एक केले का वृक्ष निकला हुआ है। तो महन जी कुछ कहना चाहेंगे इस चमत्कार के बारे में आप? इसमें कोई मिट्टी नहीं है जी, और एक ही केला होता है, हर साल होता है। अच्छा, एक ही केला होता है, पेड़ इसमें से निकलता है। अच्छा, एक ही निकलता है केला? एक ही निकलता है। अच्छा, देखो इसमें चंखा भी आ रहा है ऊपर। हाँ जी हाँ, और इसमें कोई खोकर नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, यहाँ पूरा पेड़। अच्छा, तो देखिए दोस्तों ये चमत्कार, ये चमत्कार है, ईश्वर का चमत्कार है ये। तो इसमें कोई खोकर नहीं है जी जी, और एक ही होता है हर बार, हर साल होता है, और चरखा भी आता है इसमें। चरखा भी आता है। तो देखिए यहाँ पर पानी नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं करता इसमें। जी जी, देखिए यहाँ पर कोई जैसे केले को कहा जाता है कि पानी का ही पेड़ होता है, बहुत पानी चाहिए इसको, लेकिन इस पीपल के में ये केला निकला हुआ है देखिए। और कोई भी यहाँ पर, मैं भी छू रही हूँ, तो यहाँ पर कोई ऐसी मिट्टी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरे से भी अगर हम आपको दिखा पाए तो दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। और एक ही केले का पेड़, जैसे हम भी जानते हैं जो केले के वृक्ष होते हैं उसमें बहुत सारी जो है जड़ें निकल जाती हैं, जड़ों में से कई वृक्ष निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हर वर्ष केवल एक ही केले का वृक्ष निकलता है और उस पर हर साल फल भी आता है। तो ये भी जीतमल देवता का एक चमत्कार है, आपको फल भी हम दिखाएंगे। हम आपको फल भी, फल आ रहा है इस समय भी, हम आपको फल दिखाने की कोशिश करते हैं। ऊपर फल आया हुआ है और हमें बताया गया कि हर साल केवल एक ही पेड़ निकलता है और फल भी जरूर उस पर लगता है, जो कि जो केला होता है उसे पानी चाहिए। तो हमें जो महन जी ने बताया कि इसे पानी भी नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक केले का वृक्ष निकलता है और उसमें से पीपल के वृक्ष में ही ये केले का वृक्ष जो है निकला हुआ है। और हम आपको कोशिश करते हैं कि इसकी जड़ भी हम आपको दिखा पाए। देखिए कोई मिट्टी यहाँ पर नहीं है, कोई खोकर भी ऐसी नहीं है, किस तरह से ये केले का पेड़ यहाँ पर निकला हुआ है आप देख सकते हैं। ये अद्भुत चमत्कार दिखाई दे रहा है इसका, और एक ही वृक्ष हमेशा यहाँ पर निकलता है। तो ऐसा अद्भुत चमत्कार है यहाँ पर जीतमल देवता का, और इसी शायद यही कारण है कि इतनी अटूट आस्था यहाँ के लोगों के, दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाने आते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमारे प्रयास को ज़रूर सराहें। धन्यवाद।